नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आईक्लोन के पार्ट 7 को कंप्लीट सीखेंगे। दोस्तों, काफी दिनों से हमारी वीडियोज नहीं आ रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब वीडियो जो है वो कंटिन्यू आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ऑटोडेस्क के माया के लैंडस्केप को आईक्लोन तक पहुंचाएंगे, और आईक्लोन में जो लैंडस्केप बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। यहां पर जो आपको ये लैंडस्केप दिखाई दे रही है, ये माया से बना हुआ है, ठीक है। और ये किस टेक्निक से बनेगा और कैसे बनेगा और आईक्लोन तक कैसे आएगा, इन्हीं के बारे में हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं आज, ठीक है। और ये वाला लैंडस्केप ही बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से ऑटोडेस्क माया 2022 में आ जाता हूं। ये है मेरे पास माया 2022, और यहां पर मैं क्या करता हूं, एक प्लेन लेता हूं, ठीक है। तो मैंने एक बड़ी सी प्लेन यहां पर ले लिया है, और इसको काफी बड़ा करना है तो कर सकते हैं, हालांकि ये तो हम आईक्लोन से भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां स्केल में आके और 20 से मैं काफी स्केल कर देता हूं, और उसके बाद यहां पर लाइन लगाता हूं। देखिए, लाइन लगाना अनिवार्य है, ठीक है। तो लाइन वाले टूल पे मैंने क्लिक किया और ये लाइन लग गया, और यहां से जितना ज्यादा लाइन लगाएंगे उतना अच्छा जो है वो चीजें हमारी बनेगी। तो मैं यहां से 7 जो है 7 डिवीजन को एड कर लेता हूं, और यहां से यस कर देता हूं। तो ये हमने इतना जो है इसमें लाइन लगा लिया है, ताकि हमारी जो लैंडस्केप हो वो अच्छा बने, ठीक है। और इसके बाद हमारी क्या होगी, हमें जाना पड़ेगा गूगल में, और यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैप लिखना है, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट मैप, ठीक है। और यहां से ट्यूटोरियल लिख सकते हैं, ये देखिए ट्यूटोरियल आ गया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ट्यूटोरियल का मतलब होता है पर्वत या पहाड़। तो यहां से इमेज के ऊपर हम दबा देंगे, तो यहां पर हमारे पास खूब सारे जो है इमेजेज वगैरह वगैरह यहां पर आ चुके हैं, ठीक है। इन्हीं में से कुछ इमेज को हम लेंगे, और अलग अलग इमेज यहां पर देख सकते हैं, अलग अलग चीजें के लिए दी गई है। तो इन्हीं में से एक ये वाला इमेज ले लेता हूं, और मैं इसको राइट क्लिक किया, सेव एज किया, और सेव एज करने के बाद मैं इसे डायरेक्टली डेस्कटॉप पे लेकर जा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास ये डेस्कटॉप है और यहां पर ये इमेज है, मैंने सेव कर दिया, एक हो गया। और दूसरा भी मुझे लेना है, तो दूसरा मैं ले लेता हूं, ये वाली ले लेता हूं एक, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, ठीक है, और यहां पर डेस्कटॉप, और यहां से सेव। उसके बाद एक ये वाले भी ले लेता हूं, ये बड़ी वाली है, तो एक ये वाली भी ले ही लेता हूं, राइट क्लिक, सेव इमेज, और यहां से डेस्कटॉप सेव। एक ये वाली भी ले लेता हूं, राइट क्लिक, सेव इमेज, और यहां से डेस्कटॉप और सेव। तो मैंने इतना जो है इमेजेज को यहां पर लेकर आ गया, और ये मेरे पास ऑटोडेस्क माया के अंदर जिसको हम लोग माउंटेन क्रिएट करने वाले हैं वो ये चीज है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां जाना है मेश टूल में, और यहां से स्क्रिप्टिंग टूल में जाना है, और यहां से इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर इम्प्रिंट टूल को ऑन करना है, इम्प्रिंट टूल, इनके ऊपर क्लिक करना है और यस कर देना है। यस करने के बाद आपके जो माउस है वो इस प्रकार से आ जाएगा, अल्ट बी से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया है। और यहां से ब्रश की साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां स्टाम्प पे क्लिक करना है और इम्पोर्ट पे क्लिक करना है, और जो आपने इमेजेस को डाउनलोड किया है उस इमेज को यहां पर डिफाइन करवा देना है। तो जो जो आप पहाड़ बनाने वाले हैं उसको मैंने इसको लिया और यहां से ओपन कर दिया, तो एक पहाड़ पर्वत यहां पर आ गई है। उसके बाद पर्वत की साइज पूछ रही है, पर्वत का ये ब्रश की साइज पूछ रही है, तो मैं एक बना के देखता हूं, अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कितना बड़ा होना चाहिए। ये बहुत ही गड़बड़ है, तो इतना अच्छा मुझे नहीं चाहिए, सॉरी इतना खराब नहीं चाहिए। और यहां पर आकर मैं ये वाली दबा देता हूं ताकि एकदम नीचे से उठे, ठीक है। और ब्रश की साइज भी मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं, और छोटा करने के बाद मैं यहां से अब ट्रैक करता हूं, चारों साइड से हम पर्वत बनाएंगे। तो ये हो गया, ये पर्वत तो बना लेकिन इतना अच्छा नहीं बना, तो मैं ब्रश की साइज थोड़ा और बढ़ाता हूं। अब देखते हैं, मतलब ये जो नक्शा जैसा रहेगा ना डिस्प्लेसमेंट मैप, ये उसी टाइप से बनेंगे, देखिए। और ये वाला बन गया है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इस इमेज को इंपोर्ट करते हुए एक बार और मैं ट्राई मारता हूं कि कैसा है। तो ये इस टाइप से है जो कि मुझे पसंद नहीं है, फिर से इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा और यहां पर दूसरे इमेज को ले लूंगा मैं यहां से। तो ये वाला अच्छा नहीं था, ये वाला ले लेते हैं, इंपोर्ट किया, ठीक है। और ओपन करने के बाद अब मैं यहां से बनाना शुरू करता हूं। तो मैंने ये लिया और यहां से ड्रैग करके थोड़ा नजदीक करके मैंने यहां तक लाकर छोड़ दिया, ठीक है, जो कि काफी बड़ा है, तो मैं यहां छोटा कर लेता हूं, ठीक है, ये सही लग रहा है। लेकिन मैं यहां से दूसरा वाला मोड़ दूंगा और यहां से बनाऊंगा मैं, हाँ ठीक है। इसी टाइप से हमें चारों तरफ से बनाने हैं, तो एक और मैं यहां पर बना लेता हूं सेम प्रोसेस के जरिए, ठीक है। ये मैंने दो बना लिया,
और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां से दूसरा में आऊंगा इम्पोर्ट, ये वाला है, ओपन कर लेता हूं इसको, और ओपन करने के बाद फिर से मैं एक यहां पर भी बना लेता हूं, ठीक है, जो कि छोटा वाला है लेकिन अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद यहां से इसके ऊपर आकर मैं एक और बना लेता हूं इस टाइप से। मतलब क्या हो रहा है कि एक तरफ से ये पहाड़ी इलाका जो है यहां बन रहे हैं, ठीक है। और फिर से इम्पोर्ट करता हूं और दूसरा भी मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये वाला है, ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैं फिर से यहां पर ये चीजें को बना लेता हूं, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और ये इसको हम बाद में हाइड करेंगे तो ये बहुत ही बेहतर दिखेगा, ठीक है। नहीं तो मैं ब्रश की साइज बढ़ा लेता हूं ताकि लंबा लंबा ये पहाड़ बने, ठीक है, ये हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मैं इसी को बनाऊंगा दो चार और, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आप चाहे तो यहां पर अलग अलग ट्राई मार मार के बना सकते हैं, अच्छा बनेगा। देख सकते हैं जो कि एकदम रियल माउंटेन के जैसा लगेगा ये देखने में भी। कभी भी सीन को इसे देखा जाता है, ये हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा और छोटा किया हूं मैं, ठीक है। मैंने एक ही बना दिया, आप अलग अलग जो है यूज कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं किस टाइप से ये चीज बनते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा का पूरा बना दिया, अगर आप थ्री का बटन दबाएंगे ज्यादा अच्छा दिखेगा ये। तो यहां से मैं आता हूं और इसको थ्री का बटन दबाता हूं और यहां से एस करता हूं, तो ये होगा क्या, स्मूथ मोड में दिखाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि बहुत ही एकदम रियल माउंटेन के जैसा लग रहा है कि हाँ ये लैंडस्केप जो है बहुत ही कमाल का है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहां से डायरेक्टली इसके ऊपर एक टेक्सचर डालना है। तो राइट क्लिक करेंगे, असाइन न्यू मटेरियल कर देता हूं, और यहां से फोंग ई जो है ये कर देता है, और मेरे पास टेक्सचर है, ठीक है, तो जो टेक्सचर है मैं उसी को डाल दूंगा। यहां पर इसके ऊपर आया, फाइल के ऊपर गया, और इस फाइल के ऊपर आ जाता हूं, और यहां से फाइल माई कंप्यूटर ई में रखा है मैंने शायद ई में, और फाइनल ओके के अंदर होगा, और यहाँ सीन्स के अंदर होगा, तो यहीं पर मैं कहीं पर रखा हूं तो उसी को मैं यहां चढ़ा दूंगा, तो एकदम माउंटेन जो है ये अच्छी खासी बन जाएगी। ये वाला मैं यहां पर चढ़ा देता हूं, ओपन किया, ठीक है, और सिक्स का बटन दबा करके मैं इस टेक्सचर को देख पाऊंगा ये कैसा है। तो ये जो देख सकते हैं कि आप इस टाइप से ये चीज सीन जो है वो बना है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये देखिए यहां पर हम कोई भी पेड़ पौधे को लगा सकते हैं, चाहे वो घर हो, मकान हो, कोई भी चीज हो। इसके काम हो गए क्लियर। उसके बाद फाइल को, फाइल में आना है यहां से, और एक्सपोर्ट टू ऑल कर देना है, ठीक है, एक्सपोर्ट टू ऑल, एक्सपोर्ट टू ऑल किया। उसके बाद डेस्कटॉप पे ही मैं रख लेता हूं यहां पर, ठीक है, और इसका नाम रख लेता हूं मैं लैंडस्केप या फिर माउंटेन, एम ओ यू एन टी ए आई एन, ठीक है, माउंटेन मैंने रख दिया डेस्कटॉप पे। और देखिये एक्सपोर्ट ओबीजे करना पड़ेगा हमें, समझ गए, तो यहां पर देखिएगा एक्सपोर्ट ओबीजे होगा, ओबीजे एक्सपोर्ट, ठीक है, ओबीजे एक्सपोर्ट किया, डेस्कटॉप पे गया और इसका नाम माउंटेन रख दिया, और यहां से एक्सपोर्ट कर देता हूं, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो 3D एक्सचेंज वाली सॉफ्टवेयर है उसे ऑन करना है। तो मेरे पास बंद है अभी, तो मैं इस इंटरनेट को सबसे पहले डिस्कनेक्ट करूंगा, और यहां से मेरे पास 3D एक्सचेंज है ये वाली, मैं इसे ओपन कर लेता हूं। 3D एक्सचेंज के बिना आप माया के फाइल को वहां तक लेकर जा ही नहीं पाएंगे, अर्थात आईक्लोन तक आप नहीं लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे जो है ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसी में इसके फाइल में उसको यहां पर लेकर आऊंगा, ओपन करके लाऊंगा, या फिर ड्रैग करके भी ला सकते हैं। तो मैं इसको काट देता हूं, और काटने के बाद यहां से भी काट देता हूं, और वो हमारा डेस्कटॉप पे ही है, तो डेस्कटॉप पे से मैं डायरेक्टली ड्रैग कर लेता हूं। तो ये वाली हमारी चीजें हैं माउंटेन वाली, मैं इसको लाके इसमें छोड़ देता हूं, ठीक है। तो ये वाली हमारे यहां पर आ चुकी है, टेक्सचर के साथ आ गई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसको स्केल वगैरह वगैरह आप यहां से भी कर सकते हैं, और वहां से तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है माउंटेन है। एक बात और देखिए, यहां पर हार्ड सरफेस में हर चीज आ गया, लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये इसका कारण है कि यहां से जो हमने स्मूथ किया वो रियलिस्टिक स्मूथ नहीं किया। तो आपको यहां मेश में जाना है, और यहां से पहले स्मूथ करना है, ठीक है। अब हमने इसे स्मूथ कर दिया, तो ये रियल में स्मूथ हो गया है। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये फाइल भी हेवी होगा अगर स्मूथ होगा तो,
ठीक है, ये हो गया स्मूथ। अब यहां जाना है फाइल में, एक्सपोर्ट टू ऑल करना है, एक्सपोर्ट ऑल करना है, और यहां से ओबीजी तो है ही, अब इसका नाम रख देता हूं SMOOTH स्मूथ LAND, स्मूथ लैंड लिख दिया मैंने, और यहां से एक्सपोर्ट कर देता हूं। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद मैं 3D एक्सचेंज में भी फाइल में जाके न्यू फाइल ले लेता हूं, नो सेव कर देता हूं, और यहां से स्मूथ लैंड के नाम से यहां पर आ गया, मैं इसे ड्रैग कर देता हूं। ठीक है, ये वाला हो गया यहां पर, अब स्मूथ मोड में ये जो है बहुत अच्छा तरीके से आ गया। ठीक है, ये स्मूथ हो गया, देख सकते हैं उधर स्मूथ है। अब मैं क्या करता हूं, आईक्लाउड में जो हमने बनाया है इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से, न्यू और नो। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, अब वो वाली जो चीजें हैं मुझे आईक्लाउड तक लाना है, तो सीधे अप्लाई टू आईक्लाउड कर देना है। ठीक है, जैसे ही अप्लाई टू आईक्लाउड करोगे ये आईक्लाउड में डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंपोर्ट हो रहा है, तो ये यहां पर आ चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा क्यों, कोई बात नहीं भैया, बड़ा कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब यहां पर आ गया, और ओरिजिनल जो है आपका इधर से आप चाहो तो बड़ा और भी कर सकते हो, तो दूर हो जाएगा ये सब, या आप अपने सीन के हिसाब से करना जैसा आपको लगे। अब कुछ नहीं, यहां पर जो ट्री वगैरह वगैरह है उसे डालकर देखिए, बहुत ही गजब की लुक आ जाएगी यहां से। तो देखिए मैं डालता हूं एक ये वाला रहा, ठीक है, ये देखिए अब ये माउंटेन कितना बेहतर लग रहा है। तो इसी टाइप से आपका लैंडस्केप बनेगा, और दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत जल्दी ही आईक्लाउड भी YouTube के माध्यम से कंप्लीट सिखा दूंगा। ठीक है, जितने भी ट्री लगाएंगे यहां पर बहुत बेहतर सा रिजल्ट जो है वो आएगा। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं ये लगा दिया, तो ये भी आ गया यहां पर। तो मेरा कहने का मतलब है कुल मिलाकर आप अच्छे से मॉडलिंग कर लीजिएगा। आईक्लाउड में हम लोग सिखाएंगे कि लैंडस्केप कैसे बनाता है, फिलहाल ये माया की लैंडस्केप मैंने आपको आईक्लाउड तक लाने का पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।